मामला समझ में आता है। हामिद अंसारी साहब 2007 से लेकर 2017 में मुझसे तो एक को मर्तबा नहीं मिले, और एक पाकिस्तानी पत्रकार से वो 5-5 मर्तबा मिल जाते हैं। तो भाई सवाल तो पूछे जाएंगे ना, और वो भी वो शख्स, झूठ गलत शख्स, कभी भी वो नुसरत मिर्जा से नहीं मिले, कभी भी उन्हें नुसरत मिर्जा को ना बुलाया है, ना नुसरत मिर्जा के बुलाने पर गए हैं। ये आप दावा कर रही हैं रूप से हमसे? बिल्कुल जयराम रमेश जी, बिल्कुल रूपिका जी, जयराम रमेश जी हमारे कम्युनिकेशन हेड है, उनके ट्विटर हैंडल पे अभी जाइए, पूरा बयान सुनने के बाद, बातचीत करने के बाद 6 ट्वीट किए गए, प्लीज पढ़ दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, और पूरा नुसरत मिर्जा का बयान सुना दीजिए। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि हमें अंसारी जी ने बुलाया था। हाँ, वो कार्यक्रम था जिसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर थे, आतंकवाद के ऊपर वो भाषण हुए वहां पर, वहीं पर सब पत्रकार थे, वहां पर वो गए, लेकिन कभी भी नुसरत मिर्जा को हमें अंसारी जी ने ना बुलाया है, ना वो उनके बुलाने पर गए हैं, ना उनके किसी तरह का कोई संबंध है। सिर्फ आदेश में जो खिलवाड़ चल रहा है एक दूसरे की, नलिन कोहली साहब कह रही, जयराम रमेश जो कि कम्युनिकेशन हेड है इस वक्त, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि वो कहीं अतिथि भले ही रहे हों, लेकिन उनकी कभी पर्सनल मीटिंग नहीं हुई, उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये आधिकारिक तौर पर अलका लांबा कह रही है। नलिन जी, ऐसा है, वो आधिकारिक से कहें या अनाधिकारिक रूप से कहें, सिर्फ इसमें सबसे सरल बात है कि एक लाइन में हामिद अंसारी साहब इसी को ट्वीट कर दे, उनका भी तो ट्विटर हैंडल है। अरे कांग्रेस पार्टी उनकी प्रवक्ता है क्या? ये कोई उपराष्ट्रपति थोड़ी ना कि उनके बोलने पे कोई रोक हो गई है। आपकी बात सुनी, अब जब उनको काउंटर करना है नलिन कोहली जी को, तो आप बीच में बोल रही है ये बिल्कुल गलत बात है, ये तरीका ठीक नहीं है। नलिन जी जी, तो मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी जो मर्जी ट्विटर पे डाले उनका अधिकार, लेकिन हामिद अंसारी साहब का भी तो ट्विटर हैंडल है। अगर इतने महत्वपूर्ण बात की मैं कभी उनसे मिला ही नहीं, तो वो डाल दे ना, एक लाइन में डाल दीजिए, आपके शो पे आकर अभी फोन पे बता दे कि मैं कभी मिला ही नहीं हूँ, कहानी खत्म हो जाएगी। हमें यकीन है आपकी टीम का कोई ना कोई तो सदस्य इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहा होगा। बीजेपी ये कह रही है कि आइए ना हामिद अंसारी जी, आइए और एक लाइन में ट्वीट। अच्छा, आप अगर इंटरव्यू नहीं देना चाहते, पत्रकारों से बात नहीं करना चाहते, ना करें, ट्वीट करके ये जानकारी तो दे दीजिए कि नुसरत मिर्जा झूठ बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।